बहादुर जी, आपका प्रकाश परिवार की तरफ से स्वागत है। आप इतनी हिम्मत करके इतना दूर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो पुलिस के जवान हैं, आपका क्या कहना है? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने देखिए, ये लड़ाई जो है एक्चुअल देखा जाए तो ये लड़ाई एक आज़ादी की लड़ाई, गोरों से तो आज़ादी मिल गई लेकिन इस देश में काले अंग्रेज बैठ गए। आज़ादी मैं तो नहीं मानता हमें पूर्ण आज़ादी मिली। आज भी जिस प्रकार कानून प्रक्रिया जो चल रही है उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है या तो उसे देशद्रोह का मामला लगा दिया जाता है या झूठे एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। ये लड़ाई हमारी वो लड़ाई है। हरियाणा का जो क्षेत्र रहा है करनाल, जो किसी समय में उद्योग के मामले में सबसे टॉप हुआ करता था, जो कि पूरे प्रदेशों के लोग यहाँ नौकरी के लिए आते थे, आज जो सीएम का क्षेत्र है जिसे सीएम सिटी कहा जाता है, करनाल वो क्राइम सिटी बन गया। 5 साल के दौरान करनाल के अंदर सिर्फ करनाल को लूटा गया, दिया नहीं गया। जितने भी आप इनके अधिकारी देखिए, सब हरियाणा से बाहर के भर्ती किए गए, जितने भी बड़े पदों पे, और बेरोजगारी की इतनी बदतर हालात है जिसके आप सोच भी नहीं सकते। तो कोई इनके खिलाफ जो भी बोलता है करनाल के अंदर, मुझे सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली है कि जो भी व्यापारी इनके खिलाफ आवाज उठाया उन्हीं के ऊपर इन्होंने रेड करके बर्बाद किया। करनाल की हालत बहुत खराब है। अब हमने मेहनत की, कोशिश किया है, अब फैसला करनाल की जनता। जैसे आपने बताया चुनाव उठाने का, आपको करनाल में नजरबंद कर दिया, वही तो कारण वही हुआ कि झांसी में मुझे जेल में डालने का मकसद था कि मैं यहाँ समय ना दे पाऊँ, तो मुझे मात्र 5 दिन मिला। अब आप जानते ही हो कि 5 दिन के अंदर जितनी हमारे से हो सका हमने मेहनत किया है, फैसला जनता को करना है। आपका बनारस में जो रोका गया वही तेज बात है, पहले भी नौकरी से हाँ, उसके बाद एक दो केस जरूर लगे हैं। बनारस में तो मेरे पर कोई केस भी नहीं था, उसके बाद केस भी लगे हैं, यहाँ मेरा पर्चा वैलिड कर दिया गया। यहाँ पर देश में चल रहा है। इसी क्या मानते हैं कांग्रेस और भाजपा में नूरा कुश्ती चल रही है, वास्तविकता में चल रही है? मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियां मिली जुड़ी है, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। पहले कांग्रेस चोर थी, तो ये महाचोर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि खुद हुड्डा साहब बयान दे रहे हैं कि आप बीजेपी को चाहे वोट दे देना लेकिन दूसरों को मत देना, इसका अर्थ क्या है? कहीं अंदर खाने का कुछ कुछ है आप किस पास है, क्या सोच क्या है नहीं? जो विचारों की लड़ाई है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ लेकिन हरियाणा के अंदर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं कर रही थी, इसलिए और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पहले भी कहा था, अगर दी जसपा किसी भी तरीके से बीजेपी से समझौता करती है तो उसी दिन छोड़ो। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।